रामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं। महेंद्र का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? महेंद्र उन लोगों को कैसे पकड़ेगा? भलाल देव के पिता को क्या सजा दी जाएगी? फिल्म बाहुबली 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हमें प्रभास महेंद्र बाहुबली के रोल में नजर आए थे। राणा दग्गुबाती ने भल्लाल देव का रोल प्ले किया था। अनुष्का शेट्टी फिल्म में देवसेना का रोल प्ले किया था। तमन्ना ने अवंतिका का रोल प्ले किया था। एक बार फिर से बाहुबली फिल्म के मेकर्स इस फिल्म की थर्ड पार्ट को बनाने जा रहे हैं। फिल्म में इस बार प्रभास महेंद्र बाहुबली का रोल प्ले करने वाले हैं। अनुष्का शेट्टी फिल्म में देवसेना बनेंगी। तमन्ना ने अवंतिका का रोल प्ले किया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि महेंद्र जेल में वेश बदल कर जाते हैं। वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि वो सभी साजिश कर रहे हैं, जिसके बाद महेंद्र को गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां पे कुछ नहीं करता और चुपचाप पूरी बातें सुनता है। वहां से निकलने के बाद वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद वो उससे कहती है कि उसे इस बात को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ाना होगा और साथ ही उसे बहुत आराम से सबसे डील करना होगा। जिसे सुनने के बाद वो इस मैटर पर ध्यान देता है और अपनी माँ को कहता है कि शादी से पहले उसे इस मैटर को भी सॉल्व करना है। अब देखना यह है कि वो इस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे। फिल्म में आगे हमें ये देखने को मिलने वाला है कि महेंद्र अगले दिन भल्लाल देव के फादर को रंगे हाथों पकड़ेंगे और उनके साथ जितने भी लोग थे वो उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कर देंगे, जिसके बाद वो भल्लाल देव के पिता को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। जब भल्लाल देव के पिता को कहते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है उससे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसे सुनने के बाद वो कहते हैं कि उसने उनके बेटे को मार कर ठीक नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने बेटे का बदला लेना चाहते हैं। महेंद्र उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके बेटे जैसा ही है और बदले में कुछ नहीं रखा है, इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों की तरह खुशियां देने और लेने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब उनकी जिंदगी बची हुई है और अगर वो अपना बदला ले भी लेते हैं और अगर वो मर जाए तो उसके बाद भी उन्हें वो राज्य तो मिल ही जाएगा और आप संभाल भी लेंगे, लेकिन आपके बाद उसे कौन संभालेगा। महेंद्र उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है और वो कुछ टाइम देता है ताकि वो महेंद्र की बातों को समझ सके, जिसके बाद महेंद्र अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे कहती है कि उसने ठीक किया। वहीं जिन लोगों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया था उन सब से महेंद्र मिलने जाते हैं और उन सबको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनका भविष्य नहीं है। महेंद्र उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और उन्हें भी टाइम देते हैं। अब देखना यह है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब देखते हैं कि आखिर बाहुबली 3 कितना कमाल और धमाल मचाती है। आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिल्म बाहुबली 3 और उससे जुड़ी कोई भी न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो होता है यही एंड और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर पाए होंगे और आपने वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर भी कर दिया होगा।